सिग्नल डाउन करने वास्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मोहसिन अली आपको अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान हिस्ट्री व्लॉग पर खुश आमदीद कहता हूं। तो आज की हिस्टोरिकल वीडियो में मैं आपको पसरूर के एक तरीकी एक गांव किला शोभा सिंह में लेकर आया हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये किला शोभा सिंह रेलवे स्टेशन का बोर्ड है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये किला शोभा सिंह इस रेलवे स्टेशन का नाम कैसे रखा गया। बताया जाता है कि 1947 के बंटवारे से पहले जब ब्रिटिश की यहाँ हुकूमत थी तो एक सिख था जिसका काफ़ी मीर तरीन था उस टाइम, तो उसी के नाम पर इस रेलवे स्टेशन का नाम किला शोभा सिंह रखा गया था। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ इस साइड पर यह किला अहमदाबाद गांव है। पहले इसका नाम भी किला शोभा सिंह हुआ करता था, लेकिन बंटवारे के बाद जब यहाँ पर ट्रेनों का तसलसल जो बिल्कुल कम हो गया तो इस गांव का नाम भी जो है वो चेंज कर दिया गया। तो अब इस गांव का नाम है किला अहमदाबाद। तो चलें जी, आज आपको इस रेलवे स्टेशन का विज़िट करवाते हैं और इसकी क्या हिस्ट्री है और आपके साथ शेयर करते हैं। आप देख सकते हैं किला शोभा सिंह उर्दू और इंग्लिश फॉन्ट में भी लिखा हुआ है। तो ये बिल्डिंग ब्रिटिश दौर में बनाई गई थी यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये जो आर्च है उस दौर की बने हुई है, उस ऊपर आप देख सकते हैं ये गोलदार है, जो ये रोशनदान है। तो आपको इस बिल्डिंग के अंदर ले चलता हूँ और अंदर से आपको दिखाता हूँ कि आज के दौर में यहाँ से ट्रेनें कौन कौन से शहरों में जाती हैं और बंटवारे से पहले यहाँ से ट्रेनें पाकिस्तान और इंडिया के कौन कौन से शहरों में जाती थी। तो ये जी सामने आप देख सकते हैं ये उर्दू फॉन्ट में लिखा हुआ टिकट घर। तो बंटवारे से पहले मैं आपको बताता चलूँ यहाँ से ट्रेनें जो जम्मू से सियालकोट, सियालकोट से आगे जो है पसरूर और पसरूर से आगे जो है मतलब ये स्टेशन है किला शोभा सिंह वाला यहाँ पर, और यहाँ से आगे नारोवाल और नारोवाल से होते हुए कुछ तो लाहौर कराची और कुछ जो है इंडिया के शहर गुरदासपुर अमृतसर चली जाती थी। तो आज के दौर में यहाँ पर ट्रेन तो आती है, ये स्टेशन मतलब इस्तेमाल है और यहाँ से आजकल आपको मैं दिखाता चलूँ ये आप देख सकते हैं ये किराया नामा लिस्ट लगा हुआ है इलाम अकबाल एक्सप्रेस का और साथ में जो दूसरी ट्रेन है लसानी। इलाम अकबाल जो है वो जाती है सियालकोट से कराची और लसानी जो है सियालकोट से लाहौर। तो ये आप देख सकते हैं नारोवाल, बदोमली, नारंग, शहादरा, लाहौर, रायवन, ये होते हुए जो है ना सीधी वो आप देख सकते हैं कराची जाती है और दूसरी है जो वो लाहौर जो लसानी एक्सप्रेस है। तो इनके ये किराया नाम है और ट्रेनों के नाम भी ये। तो ऊपर कुछ ये पार्सल औकात लिखे हुए हैं। तो इस साइड पर मैं आपको दिखाता चलूँ जी ये टिकट घर, यहाँ से मुसाफिर जो हैं आज के दौर में भी टिकटें लेकर इस तरफ जो बैठने के लिए जगह बनी हुई है ये यहाँ पर अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। और बंटवारे से पहले भी इसी तरह यही सीन था, यहाँ से लोग जो हैं वो टिकटें लेते थे और अपने प्यारों और ट्रेनों का इंतज़ार करने के लिए ये दे सकते हैं। ये यहाँ पर बेंच बने होते थे उस वक्त, तो यहाँ पर बैठकर अपनी ट्रेनों का इंतज़ार किया करते थे। ये साइड है जो मैं आपको दिखाता चलूँ ये जी औरतों के लिए टिकट घर बना हुआ था पहले भी, बंटवारे से पहले भी और आज भी। तो यहाँ ये उनके लिए जो अपनी ट्रेनों का इंतज़ार किया करते थे, यहाँ पर बैठकर औरतें अपनी जो है ना ये टेबल बने हुए हैं टिकट लेने के बाद यहाँ पर अपने ट्रेन का वो इंतज़ार किया करते थे। उसके अलावा आपको मैं दिखाता चलूँ ये ब्रिटिश दौर में जो है मतलब यहाँ पर ये आर्चें बनी हुई हैं, इसमें डेकोरेशन के लिए ये देख सकते हैं लकड़ के जो पीस है बड़ी खूबसूरती के साथ इनको काट कर यहाँ पर लगाया हुआ है। ये जी सामने स्टेशन मास्टर का कमरा जहाँ पर स्टेशन मास्टर बैठा हुआ है, क्योंकि आज भी ये ट्रेन यहाँ से जो है ना वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाती है। तो टिकटें वगैरह जो है स्टेशन मास्टर बैठकर वो देता है। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ये जी ट्रैक चेंजर लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा स्टेशनों पर मैं आपको दिखा चुका हूँ ये ट्रैक चेंजर। तो
ये सिग्नल को चेंज करने के लिए और ट्रैक की जो मतलब ट्रेन का जो ट्रैक होता है उसको चेंज करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये जी लोहे की तार है जो ये आप देख सकते हैं, ये ट्रैक के चेंज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये जी इस टाइम मैं आ चुका हूँ ट्रैक के ऊपर, मैं आपको बताता चलूँ। ये साइड है जो ये आती थी बंटवारे से पहले, ट्रेनें यहाँ पर जम्मू से आती थी, वज़ीराबाद, सियालकोट से, उसके बाद पसरूर है, और पसरूर से आगे आपको मैं बताता चलूँ कि ये जी नारोवाल वाली साइड, नारोवाल से आगे है जो कुछ ट्रेनें तो चली जाती थी लाहौर कराची की तरफ, और कुछ जो है वो चली जाती थी जसर की तरफ। जसर से भी आगे यही सीन था, वहाँ से भी ट्रेनें दो हिस्से हो जाते थे, ट्रैक दो हिस्से में डिवाइड होता था, एक ट्रैक इंडिया में गुरदासपुर अमृतसर, और दूसरा जो ट्रैक है जो पाकिस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जाती थी। लेकिन मैं आपको बताता चलूँगा यहाँ पर आज के दौर में सिर्फ दो ट्रेनें यहाँ से चलती हैं, जिसमें एक इलामा इकबाल एक्सप्रेस जो सुबह के वक्त सियालकोट से कराची, और दूसरी जो लसानी एक्सप्रेस है वो भी सुबह के वक्त सियालकोट से लाहौर जाती है। तो बंटवारे से पहले यहाँ से तकरीबन 30 से 33 ट्रेनें जो हैं वो चलती थी, लेकिन आज के दौर में यहाँ पर दो ट्रेनें ही बाकी रह गई हैं। तो आज की हिस्टोरिकल वीडियो में मैंने आपको किला सोभा सिंह का रेलवे स्टेशन का विज़िट करवाया, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।